जोश, जज्बा, जुनून, बहादुरी, आंखों में चमक, दुश्मन के ठिकाने पर हमला करके उसे नेस्तो नाबूद करने का हुनर और जान हथेली पर रखकर हर खतरे का सामना करने की हिम्मत, ये हैं खैबर पख्तूनख्वा का फख्र और आईजी पुलिस नासिर दुरानी का शाहकार, खैबर पख्तूनख्वा की लेडी कमांडोस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। पूरी कौम मिली जोश और जज्बे के साथ आज़ादी का जश्न मना रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मरतबा भी हम आज़ादी एक ऐसे अंदाज में, एक और ऐसे माहौल में मना रहे हैं कि जब दहशतगर्दी के कुछ वाक़ात की वजह से हमारे दिल उदास हैं और हमारी कौम के चेहरे कुछ मगमूम से भी हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि जब किसी कौम पर मुश्किल आती है, हादसात हो जाते हैं, कोई धमाका हो जाता है, कीमती जानें ज़ाय हो जाती हैं, हम सब बहिस्सियत कौम उदास होते हैं, तो हमारा जज्बा भी क्या मांद पड़ जाता है या हमारा जज्बा जवान रहता है, यही जानने के लिए आज हम उन लोगों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं जो जश्न आज़ादी को मना हौसले के साथ रहे हैं। उदास होने के बावजूद कौम अगर गम में है तो इसके बावजूद हौसले के साथ हम इस जश्न को मना रहे हैं। उन लोगों के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो इस कौम को हौसला देने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम पहली मरतबा आपको खैबर पख्तूनख्वा की एलीट कमांडोज से मिलवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो दहशतगर्दी से निमटने के लिए किस तरह से पुराज़म हैं, किस तरह से तैयारी कर रही हैं, किस तरह से अपने मर्द कमांडोज के शाना बशाना मिलकर काम कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग्स किस तरह से होती हैं और क्या जज्बा है कारफरमा उनके पीछे, क्या सोच है जिसको लेकर वो इस मैदान में आई हैं अपनी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हुए जहां पर ख्वातीन के लिए इस तरह की जॉब्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि चैलेंजेस हैं, चूंकि ज़रूरत है, चूंकि इन ख्वातीन की और इन कमांडोज़ की भी कौम को ज़रूरत है, तो आज का प्रोग्राम इन्हीं कमांडोज़ के साथ करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी ट्रेनिंग किस नौयत की हो रही है, ये मर्दों के मुकाबले में किस तरह से तैयार हो रही हैं, और जब मुश्किल वक्त इस कौम पर आता है, माजी में भी आया है, खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए तैयार हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि इनकी ट्रेनिंग मर्दों के मुकाबले में किस लेवल पर है, ये क्या हैवी फायर जो हैं, हैवी मशीन के साथ फायर कर सकते हैं, क्या ये वो वाली ऑब्स्टिकल्स और वो वाले जंप्स और वो वाली सारी ट्रेनिंग ये परफॉर्म कर सकती हैं जो कि मर्द करते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं कमांडोज से मिलवाएंगे और इनकी ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इनके जज्बे किस तरह से हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, और आज जब ये अपना जश्न आज़ादी मना रहे हैं और इनके साथ साथ पूरी कौम एक तहफ़ का एहसास अगर लिए हुए है तो उसके पीछे क्या कुव्वत कारफरमा है, ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने जा रहा हूँ। डर किसे कहते हैं, खौफ क्या होता है, शिकस्त किस चिड़िया का नाम है, ये कमांडोज ये सब नहीं जानती, और ये वो सब कर सकती हैं जो मर्द कमांडोज करते हैं। ये कई मील रोज़ाना भागती हैं, हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग करती हैं, सिर्फ क्लैशन कोफी नहीं बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट गन और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी बड़ी महारत से इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर चलाना भी इनके बाएँ हाथ का खेल है। तमाम तरह की रुकावटों को उबूर करना और बुलंदी से रस्से की मदद से कूदना यानी रिपेलिंग करना इनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा की कमांडोज हैं। तो आइए आपकी इन लेडी कमांडोज से मुलाकात कराते हैं और आपको इनकी महारतों के कुछ नमूने दिखाते हैं। इस्लाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ इंस्ट्रक्टर हैं इन लेडी कमांडोज के। ज़रा इस्लाम साहब मैं मुझे ये बताइए कि आप इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है पहले लड़कों को ट्रेनिंग देते थे, अब लड़कियां भी इस मैदान में आ रही हैं, तो किस तरह का परफॉर्म कर रही हैं? माशाल्लाह जो लेडी पुलिस के हमारे लेडीज हैं ये लड़कों से किसी तरीके से कम नहीं है, बल्कि उनके इक्वल है। उनका ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है बॉय और लेडीज़ का एक जैसी ही है, और माशाल्लाह ये हर मेयार की पूरा उतरती है बॉय के बराबर। अच्छा, गन जो होती है उससे तो वैसे ही एक हेजिटेशन सी होती है, मैंने देखा कि असले के साथ जितना कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से निशाना बांधा है इन्होंने और जिस परफेक्शन के साथ निशाने लगाए हैं, और अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी इन्होंने आगे जाके परफॉर्म करना है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको अपने इन शागिर्दों से? ये माशाल्लाह इनका फायर बहुत अच्छा है, सिर्फ ये नहीं है, इनका हेवी वेपन फायर जो हम कराते हैं
वो भी बड़ा अच्छा है, RPG-7 है, AGL है, 12.7 है, ग्रेनेड भी इनसे फायर कराते हैं। तो ये इनका फायर का मैार माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बॉय के बराबर है। बाज़ अवकात इनका फायर बॉय से अच्छा भी होता है और ये इनसे बड़े अच्छी तवक्कात हैं। और इनमें लीड इंस्ट्रक्टर भी हैं और हम उसको इंस्ट्रक्टर तो भी लेते हैं, तो वो हमारे इंस्ट्रक्टर के इक्वल होते हैं, जो बॉय और लीड इंस्ट्रक्टर एक जैसे होते हैं माशाल्लाह। इस्लाम साहब क्या स्कोर रहा इनका? इसके 90 मार्क्स है आउट ऑफ 100। अच्छा। और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, मतलब ये जो हम सारा देख रहे हैं ये इस रेंज में उन्होंने फायर किया, इस रेंज फायर के ये 5 मार्क्स एवरी बुलेट जो है, और ये आउट ऑफ मतलब ये परफेक्शन के करीब तरीन है। करीब तरीन नहीं, ये आउटस्टैंडिंग फायर है। आउटस्टैंडिंग फायर है। अच्छा गुड, अभी ये ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग में माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा फायर है। नाज़रीन, लेडी कमांडोज की अभी फायरिंग प्रैक्टिस आपने देखी है, अब मैं आपकी इनसे कुछ बातचीत करवाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि जिस घनघरज के साथ, जिस जोश व खरोश और जज्बे के साथ ये प्रैक्टिस कर रही हैं, वो उनके इनके जहन में ख्यालात क्या हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी अभी मैं फायरिंग प्रैक्टिस देख रहा था और जिस घनघरज के साथ आप की फायरिंग हो रही थी, मुझे उसमें आपका जज्बा तो नज़र आ रहा था, आप क्या सोच कर इस फील्ड में आई हैं? जिस तरह हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, इसको देखते हुए और हमारा भी मतलब जज्बा दिल में हुआ कि मोहब्बत है मुल्क की और हम चाहते हैं कि हम भी इस फील्ड में आए, हम भी आगे जाएं, हम क्यों किसी से पीछे रहें। सही है। और आप चाहती हैं कि एक दहशतगर्दी से निजात के लिए जो हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं, आप उनका हिस्सा बन के? जी बिल्कुल, जो मेल काम कर रहे हैं, आर्मी में कर रहे हैं, पुलिस में कर रहे हैं, हमारी लीड में कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी इसमें आए, हम भी इसका हिस्सा बने। लेकिन कमांडो का नाम सुर्खियाँ तो एक जहन में चीज़ आती है कि जी एक बड़ी सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और मुझे पता चला कि आप लोग बड़ी सख्त ट्रेनिंग यहाँ पर कर भी रहे हैं, तो एक खातून होने के नाते थोड़ा सा आपको ख्याल नहीं आता कि ये बहुत मुश्किल काम हम कैसे करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आता, हम तो बड़ी खुशी से और बहुत मोहब्बत, बहुत जज्बा लेके मुल्क के लिए इधर आए और उसी खुशी से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जिस फील्ड में आप आ गई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आपकी ज़िंदगी भी खुदा ना खास्ता दाव पे लग सकती है, तो आपके इल्म में आपको एहसास है इस बात का? बस पहले बार ये कि अगर हम निकले हैं घर से, तो इसमें ये भी आ सकता है कि हम अपने जान और माल सब मुल्क पे कुर्बान कर सकते हैं एनी वक्त। अच्छा, तो इसके लिए आप किस किस्म के ऑपरेशंस आपको करने पड़ सकते हैं, ये भी आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है? घरों पे जाते हैं, चाटे लगाते हैं, इस दौरान फायरिंग वगैरह सब कुछ हो सकता है, दहशतगर्दों के घर जाना पड़ता है, हमारी टीम हमारे साथ होती है, सीनियर अफसरान साथ होते हैं, लेडीज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्रवाई जो होती है लेडीज़ की होती है, क्योंकि वो अंदर घर जाते हैं, सर्च करते हैं, कोई अगर कोई वसला वगैरह कोई मौजूद हो तो वो बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद टीम अंदर जाके कार्रवाई करती है। सिर्फ क्लैशनकोफ ही नहीं, बड़े हथियार चलाना भी इन कमांडोज के बाएं हाथ का खेल है। ये है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर AGL, जो किसी दीवार को तोड़ने, गाड़ी या बंकर को तबाह करने या किसी बड़े हदफ को निशाना बनाकर तबाह करने की सलाहियत रखता है, और जब फटता है तो कानों के पर्दे हिला कर रख देता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कमांडो लेडी कमांडोज हैं ये सिर्फ क्लैशनकोफ चला सकती हैं या छोटे हथियारों से फायर कर सकती हैं, तो जनाब हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर जितने बड़ी मशीन्स हैं फायर करने के लिए मुख्तलिफ तरह की, इनको ये तमाम मशीनें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये इस वक्त जो मशीन मौजूद है, ज़रा इनके इंस्ट्रक्टर से मैं पूछता हूँ कि ये क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ये कौन सी मशीन है जी? ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर LG-340 इसका नाम है, मुकम्मल मेड इन चाइना। ये पाकिस्तान पुलिस को चाइना की तरफ से तकरीबन हमको 2011 को मिला है, और फिर इसका बाकायदा कोर्स भी चलें, और ये ग्रेनेड थ्रो करते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसे ग्रेनेड फायर किया जाता है जो आपके हाथ में है? बिल्कुल, ये इसमें ग्रेनेड हम रखते हैं, फिर इसका काकिंग करते हैं, फिर इसकी वजह से हम बहुत दूर तक तकरीबन 2200 मीटर तक हमारा हदफ होता है, टारगेट होता है, कहाँ तक? 2200 मीटर तक। हाँ, हमारा हदफ होता है, ख्वाह वो किसी
मश की टोली होती है, ख्वा वो बैंकर होता है, ख्वा वो कोई गाड़ी होती है। और ये जो लेडी कमांडोज हैं वो ये सब मशीनें चलाती हैं खुद? माशाल्लाह हमारे जो इधर तमाम इंस्ट्रक्टर साहबान हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं, और ख़ासकर जो इधर लेडीज़ कोर्स चल रहा है ये तो छोटे वेपन के साथ साथ हों ही वेपन जो सारे ही वेपन हैं इसका भी हम बाकायदा इसका प्रैक्टिस भी कराते हैं, और यहाँ तक हों कि आखिर तक ये हर वेपन के इतने क्वालिफाइड हो जाते हैं कि वो किसी भी जगह पर किसी भी मिशन पर अगर उसको ज़रूरत पड़े वो आसानी के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने फासले पर है आपका टारगेट जिसको आप इसे ग्रेनेड से टारगेट करने वाली हैं? ये 2300 तक। अच्छा, वैसे तो ये 2200 तक कर सकता है। सही है, तो ये टारगेट आप जो सामने हमें निशानात नज़र आ रहे हैं ये आपका ग्रेनेड उसको जाके हिट करेगा, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है। चले जरा हम देखते हैं कि आपकी महारत तो इसमें कभी चलाना नहीं है। हाँ, तो देखा था कि आप क्लैशिंग को बड़ी अच्छी चला रही थी, तो ये देखते हैं कि आप हैवी फायर कैसे करती हैं। मगर ये ख़वातीन भी कोई मामूली ख़वातीन नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की कमांडोज हैं। ये है 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन जो ज़मीन से ज़मीन और ज़मीन से फ़जा में मार कर सकती है। इससे पहले हमने किसी खातून के हाथ में ये मशीन नहीं देखी। बड़ी हैवी मशीन है और इसमें ये राउंड जो हैं ये इसमें लगाए गए हैं। ये ज़रा मशीन के बारे में कुछ बताएंगे आप, फिर देखते हैं कि ये कैसे फायर करती हैं। ये जो मशीन है ये हमारे साथ जो पुलिस के साथ जो ज़बरदस्त किस्म की मशीन है आजकल हो, ये मशीन 12.7 इसका नाम है और 100 mm है, और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है। हवाई में इसको हम 1600 meters तक हों, यानी कि किसी भी जहाज हो, यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह हो, उसको हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और ये है रॉकेट लॉन्चर जिसकी सलाहियत के बारे में आप इसी कमांडो से सुनिए। एक और मशीन के पास हम आपको लेकर आए हैं, ये रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या करता है और कैसे ऑपरेट करता है और किस चीज़ को टारगेट करता है ये ज़रा हम इन कमांडो से पूछते हैं। ये मशीन भी आप चलाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या कौन सी मशीन है और क्या करती है? ये रॉकेट लॉन्चर है, रशियन पोर्टेबल ग्रेनेड नंबर 7। ये एंटी पर्सन और एंटी टैंक के खिलाफ जो है ये इस्तेमाल की जाती है। ये लोड करेंगी और आप इसको फायर करेंगी, यानी दो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी हैवी किस्म की मशीन है रॉकेट लॉन्चर, और हमने आज से पहले कभी खवातीन को चलाते, मैंने कभी किसी खातून को ये रॉकेट लॉन्चर फायर करते नहीं देखा। इसकी आवाज़ सिर्फ खतरनाक है, बाकी फायर इसका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आसान भी है और ज़बरदस्त। अच्छा, चले ज़रा देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब देखने के बाद यकीन से कहा जा सकता है कि जिस कौम को ऐसी बहादुर बेटियां मुयस्सर हों दहशतगर्द उस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कर्नल खालिद जमील साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल हैं इस ट्रेनिंग स्कूल के, जिसपे हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया है सबसे पहले तो ये कि आपने हमें ये मौका फ्राहम किया कि हम यहाँ पर आएँ और ख़वातीन की ट्रेनिंग देखें और सबको दिखाएं कि किस जज्बे से केपी पुलिस काम कर रही है। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि ख़वातीन को इस फोर्स में लाने का मकसद क्या है? इससे पहले क्या मर्द भी तो ये ज़रूरत को पूरा कर पा रहे होंगे? सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमारे वो चीज़ें आपने लोगों को दिखाईं जो कि नॉर्मली लोगों से छुपी रहती हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जैसा कि आपको पता है हमारी ये फ़ोर्स 2008 में रेज हुई थी, एलीट फोर्स, और अभी 2016 चल रहा है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और हमारे ऑपरेशंस बढ़ते गए तो हमें ये एहसास हुआ कि बाज़ वक्त हम हैंडीकैप हो जाते हैं कि ऑल द एलीट और रैपिड रिस्पांस फोर्स ये सारे एक ही हिस्सा हैं, जब वो ऑपरेशंस करते हैं तो हम हैंडीकैप थे कि हमारे पास लेडी कमांडोज नहीं होती। पिछले साल हमारे आईजी ने ये सोचा कि हमारे पास लेडी कमांडोज भी होने चाहिए, और फिर लास्ट 2 years से हम ये मुसलसल चला रहे हैं और ये इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ये एक फोर्स बनेगी जो कि मर्दों के शाना बशाना हर किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा ले। इसको आप कंपैरिजन कैसे करते हैं? मर्दों की एक ट्रेनिंग है, क्या चीज़ें कम करके आप औरतों को ख़वातीन को ट्रेनिंग करवा रहे हैं? इस ट्रेनिंग की ख़ास बात ही यही है कि बेसिक ट्रेनिंग ये 6 months की हम देते हैं
اور ان میں وہ تمام چیزیں جو مرد حضرات کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں یہ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں تمام چیزیں اور مطلب وہی ہیوی مشینز وہ استعمال کرتی ہیں وہی جمپ کریں گی وہی ریپیلنگ اور سب چیزیں سب کچھ وہ یہاں تک کہ فزیکل سائڈ بھی ہم وہی سارے ٹیسٹ لیتے ہیں جو مرد حضرات سے لیتے ہیں اگر اس میں کوئی 1% بھی کمی ہوتی ہے تو ہم ان کو کورس ڈراپ کر دیتے ہیں اور کتنا پوٹینشیل آپ کو لگ رہا ہے خیبر پختونخوا پولیس کی خواتین میں ہم نے انیشیلی اسٹرینتھ رکھی تھی کہ ہمیں 50 کی آتھرائز اسٹرینتھ ہوگی لیکن ماشاء اللہ ابھی ہمارے پاس مور دین 70 ہیں اور والنٹیئرس کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ اس وقت اس کورس میں ہمارے پاس والنٹیئرس آلریڈی موجود ہیں جذبہ ہے ضرورت ہے کیونکہ ایک نارملی یہ کے پی سے باہر بیٹھ کے کانسیپٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی کنزرویٹو خواتین کے معاملے میں یہ پروونس ہے تو خواتین کے اندر اتنا جذبہ اور ظاہر ہے پھر ان کی فیملیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں ان کے ہسبینڈ ان کے فادر سب لوگ انیشیلی تھوڑی سی ریزرویشنس تھی لوگوں کو لیکن پھر جب ان کی ورکنگ دیکھی تو اس کے بعد کسی کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے اور یہ پیور جذبہ ہے پیور موٹیویشن ہے جس میں ہماری خواتین آ رہی ہیں اور مردوں سے بڑھ چڑھ کر ساری چیزوں میں حصہ لے رہی ہیں اور اس کو کر رہی ہیں اچھا کرن صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ضرورت محسوس کی آپ ان خواتین کو لائے سلیکٹ کی ٹریننگ دی اب اس کے ریزلٹس کیسے نکل رہے ہیں ریزلٹس تو بہتر خیر اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ اگر آپ کرائم ریٹس کو دیکھ لیں ہمارے کے پی کے میں اور ہمارے آپریشنس کو دیکھ لیں تو اس میں بہت نمایاں کمی ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے اوپر اسٹیٹ اوے چلے جائیں تو بہت زیادہ کمی ہوئی ہے اور وہی اس کا آنسر ہے آپ کے سوال تھینک یو ویری مچ سر تھینک یو تھینک یو بہت شکریہ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ ان لیڈی کمانڈوز کو انٹیلیجنس رپورٹس کی روشنی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں میں گھس کر انہیں ہلاک کرنے کی تربیت کس طرح دی جاتی ہے خیبر پختونخوا بدقسمتی سے طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے خود کش دھماکوں نے اس صوبے کو طویل عرصے تک اپنی لپیٹ میں لیے رکھا جس میں سیکیورٹی فورسز مساجد عام عوام اور طلبہ و طالبات کو بلا تخصیص نشانہ بنایا جاتا رہا آپریشن ضرب عصد کے بعد حالات بہت بہتر تو ہوئے لیکن خطرہ اب بھی پوری طرح ٹلا نہیں چیلنجز اب بھی درپیش ہیں کیونکہ دشمن عیار بھی ہے اور بے رحم بھی دہشت گردی کے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا کے آئی جی پولیس ناصر درانی نے جو اقدامات اٹھائے وہ قابل ستائش بھی ہیں اور قابل تقلید بھی ان کے انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ لیڈی کمانڈوز فورس کا قیام بھی ہے جس کے ساتھ جشن آزادی کا خصوصی پروگرام آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ان لیڈی کمانڈوز کو مختلف طرح کے حالات میں دہشت گردوں سے لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کمانڈوز انٹیلیجنس رپورٹس کی روشنی میں کسی عمارت کے اندر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پا کر کیسے حملہ آور ہوتی ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے کن ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہیں اور اپنے اہداف کو کیسے نشانہ بناتی ہیں ابھی ہم ناظرین آپ کو ایک اور مظاہرہ دکھانے جا رہے ہیں لیڈی کمانڈوز کا جو کہ ایک بلڈنگ پہ جس جہاں کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہاں پر کچھ ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں وہاں پر یہ لوگ کس طرح سے پلان کر کے حملہ آور ہوتے ہیں کس طرح جا کے اس کو انٹروڈ کرتے ہیں یہ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ان کے انسٹرکٹر منشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں منشا صاحب کیا ٹاسک دیا گیا ان لوگوں کو ابھی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارا ٹارگیٹ ابھی یہ ہے کہ چونکہ ہمیں انٹیلیجنس ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے یہاں بیٹھ کے وہ پلاننگ کر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وارداتیں کرتے ہیں تو اس اطلاع کے مطابق ہم نے اس پہ ایک پلان بنایا کہ ہم کروائی کر کے اس کو تباہ کریں اور یہ خواتین کریں گی اس وقت ہم نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہوا ہے کارڈن کر لیا گیا ہے اور ہماری لیڈیز کمانڈو جو ہے ریڈی ہے اس کے اندرونی کروائی کرنے کے لیے اس پر حملہ جو کرنا ہے اٹیک کرنا ہے اس کے لیے ابھی ہماری اور یہ ساری کاروائی بڑی خاموشی سے کی جاتی ہے چھپ کے پلان کر کے چاروں طرف سے کارڈن کر کے جو یہاں تک بات ہے کہ یہاں تک ابھی جو فورس اس کو کارڈن کر چکی ہے اس نے گھیرے میں لے لیا ہوا ہے ابھی تک یہاں کے حالات واقعات کے مطابق کسی کو علم نہیں
खामोशी से ये कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अभी अंदर जो हमने पूरा एक्शन करना है वो फाइनल कार्रवाई के लिए हम मूव कर रहे हैं। और ये हमारा लंचिंग एरिया है, इस जगह से हम अपने मिशन इसको पूरा करने के लिए अपनी फोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ से अभी अब हम देखते हैं कि ये जो लेडी कमांडोज हैं ये इस घर के अंदर या इस बिल्डिंग के अंदर कैसे दाखिल होती हैं और इन्होंने जो हिकमत अमली बनाई है उसका अमली मुजाहरा किस तरह से करके दिखाते हैं, तो अब ये आपको दिखाते हैं। सक्सेसफुल रहा आपका? जी बिल्कुल सक्सेसफुल। क्या क्या मिशन था? मिशन है एक इत्तला के मुताबिक हम आए हैं और हमने 10 ग्रेनेड फेंका है और ये स्टन गिनने था, सिर्फ आवाज पैदा करता है, सिर्फ आवाज पैदा करने के लिए होता है, उनको डराने के लिए होता है, इसमें नुकसान नहीं करते हो। सही। और उसके बाद आपने मुख्तलिफ कमरों में अपने टारगेट्स को निशाना जी टारगेट निशाना बनाया, 3 बंदे इसमें मारे गए और ऑपरेशन कामयाब जी बिल्कुल। और यही इसी तरह से प्लानिंग उधर जाते हैं जी बिल्कुल। सही है। और आपको बताया गया कि अब जब आप फील्ड में जाएंगे यानी यहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद तो इस तरह के हालात का आपको सामना करना पड़ सकता जी, है बिल्कुल। सही है। चले जी, ये हमने आपको ये शूट हाउस इसको बोलते हैं, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक घर के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर घुस के जिसके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं और हो सकता है कोई हॉस्टेज भी हो, इन लेडी कमांडोज ने बड़ी महारत के साथ एक अपनी पहले प्लानिंग की है, उसके बाद ये फिर अंदर दाखिल हुई हैं, उन्होंने एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है जो आवाज़ पैदा करता है और हमने देखा कि इतनी खौफनाक आवाज़ उसने पैदा की, और उसके बाद ये मुख्तलिफ बड़ी महारत के साथ एक ट्रेंड कमांडोज की तरह मुख्तलिफ कमरों में गई और वहाँ पर इन्होंने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया और ये इनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली वल्नरेबल है अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और आपको इस बात का भी इल्म होगा कि अमूमन मिलिटेंट्स जो हैं वो घरों में कई दफ़ा पनाह ले लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि औरतों और बच्चों की आड़ में उस घर में छुप के और उसके बाद प्लान करें और कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हों। अब हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक अपना ख़ास कल्चर भी है जहाँ पर पुलिस को घरों के अंदर जाते हुए जब हम जाते थे पहले तो अमूमन लोगों को ये शिकायत होती थी कि हमारी बेपर्दगी हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि ऐसे रेड्स के ऊपर जहाँ हम घरों में करना हो वहाँ हम लोगों की जो इज़्ज़त है और उनकी इज़्ज़त नफ्स है जो उनकी ट्रेडिशन हैं उनका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम ख़वातीन को भी ट्रेन करें पुलिस में जो उस रेड में या सर्च के अंदर वो घरों में जा सकें और उनकी सर्च कर सकें और ऑपरेशन कर सकें। अब लेकिन चूंकि ख़तरा इतना ज़्यादा होता है कि घर के अंदर अगर मिलिटेंट है और अगर हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, तो इसलिए ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा थी और बहुत पहले थी इस चीज़ की। तो हमने जब अपनी पुलिस ऑफिसर्स को बेसिक ट्रेनिंग देनी शुरू की जो पहले काफ़ी अरसे से ज़्यादा निगलेक्ट हो रही थी, तो उसके बाद जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि लेडी ऑफिसर्स ने खुद वॉलंटियर किया कि जी आप हमें एलीट की कमांडो ट्रेनिंग भी करवाएं, तो हमने उनकी ख्वाहिश के ऊपर उनको ट्रेनिंग शुरू करवाई। ऑल्दो हमारा प्लान ये था कि हम उनको जो उनके मेल कोलीग्स ट्रेनिंग करते हैं उसमें कुछ रियायत देंगे, कुछ उसमें टाइम की भी और जो वो एक्सरसाइज करते हैं वो कम रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी हैरानकुन बात भी थी और ख़ुशी की बात भी थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो लेडी ऑफिसर्स थे उन्होंने ख़ुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम किसी सूरत में भी जो नॉर्मल ट्रेनिंग उनके मेल कोलीग्स करते हैं उससे कम नहीं करेंगे और जो जो मराहल से वो गुजरते हैं हम भी उन्हीं मराहल से गुजरना चाहेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे लेडी कमांडोज का वो शाहकार जिसे देखकर आप दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। मुश्किल तरीन ट्रेनिंग के दौरान जवानों का जज्बा भी दीदनी होता है और दिलचस्प बात यह है कि हदफ जितना मुश्किल हो जज्बा उतना ही ज़्यादा दिखाई देता है। रिपेलिंग या बुलंद इमारत से रस्से की मदद से कूदना कमांडो ट्रेनिंग का लाजमी जुज्व है जिससे सबको गुजरना पड़ता है।
इन जवानों की तरह लेडी कमांडोज की महारत भी काबिले तहसीन है। नाज़रीन, आपको मैंने ट्रेनिंग दिखाई है, इन लोगों की ड्रिल दिखाई है, किस तरह से ये फायर करते हैं, किस तरह से ये हैवी मशीन्स के साथ फायर करते हैं, किस तरह से इन्होंने जंप किए हैं, किस तरह से ऑब्स्टेकल्स उबूर किए, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इनसे बातचीत भी आप कर लें ताकि आपको पता चले कि ये इनके जहन में चल क्या रहा होता है जब ये सब चीज़ें कर रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने कभी ख़वातीन को ये करते नहीं देखा। मैंने मिसाल के तौर पे अभी आपने 100 फीट से जंप किया, मैंने ख्वातीन को इससे पहले करते नहीं देखा, मर्दों को कमांडोज को करते देखा है। डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं जी, पहले शुरू में तो डर लगता है, पर अभी आदी हो गए हैं, अभी तो नहीं लगता। बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई गई है? बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अभी आदी हो गए हैं तो अभी डर नहीं लगता है, अभी दिल मजबूत हो गया। सही है। अच्छा, क्या जज्बा लेकर आप आए हैं इस फील्ड के अंदर, क्या आपके जहन में क्या चल रहा होता है जब आप ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? क्योंकि आसान नहीं है, मुश्किल है, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक कुव्वत ही हो सकती है, एक जज्बा ही हो सकता है जो आपको मोटिवेट करता है ना कि आप ये करें, तो वो क्या कुव्वत, आपके सोच क्या कार फरमाए? अगर हम सोचें कि ये काम करना है तो फिर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सोच पे ही डिपेंड करते हैं। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं गुलबहार से। गुलबहार से, पेशावर, यानी पेशावर का इलाका गुलबहार, आप वहाँ से हैं। आपको किसने मोटिवेट किया कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? मुझे अबू ने मोटिवेट किया। अबू ने कहा कि आपको कमांडो बनना चाहिए। आपके अबू का ताल्लुक भी फोर्सेस से? पहले उधर आर्मी में थे, लेकिन उसे फिर छोड़ दिया। सही है। अब देखें कि ये मैं इसलिए इनसे सवाल कर रहा हूँ कि एक फादर का भी एक जज्बा है कि मेरी बेटी इस कौम की हिफाजत करने में किरदार अदा करे, और उन्होंने अपने इस ख्वाब को सच कर दिखाया कि अपनी बेटी को उन्होंने इस फील्ड में भेजा, और जाहिर है इनका भी यही जज्बा है कि मैं, अगर मेरी कौम को ज़रूरत है और सबकी ज़रूरत है, मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, ये कैमरा पर्सन अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस कौम को मुतहद करने के लिए, और जाहिर है जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए सबको ज़रूरत है, और हर एक को अपने किरदार और अपने रोल के बारे में एहसास होना चाहिए, जो कि इन लोगों के अंदर एहसास मौजूद है कि हमें इस कौम की हिफाजत करने के लिए और टेररिज्म से निमटने के लिए इस मैदान में आना है। और काबिले एहतराम, काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद हैं वो वालदेन भी जो अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको पता है कि ये मुश्किल काम है, इनके हाथ में गन है और इनको बंदूक वालों का सामना भी करना पड़ेगा, और इसके बावजूद वो अपनी बेटियों को यहाँ पर भेजते हैं, उनको सलाम पेश किया जा सकता है। मैं आपके वालिद को और आप सबके वालदेन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने इतने हौसले के साथ अपनी बेटियों को भेजा है कि आप जाएँ ट्रेनिंग करें, और इस कौम की मर्दों की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है, और आप बड़े ऐसे तरीके से ये कर रहे हैं, मेरा जज्बा आपको देख के बड़ा बढ़ गया है। मेरी इंडिपेंडेंस डे जो है उसकी खुशियां जो हैं वो दोबाला हो गई हैं आपको देख के, फ्रेंकली स्पीकिंग। आप मुझे बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या आपने तालीम हासिल की है और यहाँ कैसे हैं? मेरा ताल्लुक पेशावर से है, पेशावर में गुलबहार की रहने वाली हूँ, और तालीम जो है मैंने सिटी यूनिवर्सिटी से पेशावर से हासिल की है, बीए तालीम है मेरी, और शौक़ और जज्बे से इस फील्ड में आई हूँ। सही। हम देखते हैं कि जो हालात हैं अब खैबर पख्तूनख्वा के बिलखुसूस और मुल्क के भी मजमू तौर पर बेहतर हुए हैं, आपके ख्याल में किसकी वजह से ये हालात बेहतर हुए? हमारी पुलिस की वजह से हुए हैं और आर्मी की वजह से, क्योंकि हर टाइम ऑपरेशन होते हैं, छापे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से जो तालिबान पकड़े गए हैं, दहशतगर्द जो हैं, घरों की सर्च की जाती है हर टाइम, इस वजह से हालात बहुत अच्छे हुए हैं। मैं
अब चाहूँगा कि 14 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ज़रा अपना पैगाम आप दीजिए कि कौम दो तरह से सोचती है। एक तो ये है कि हमें चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए हैं, बड़ा दिल उदास है उसकी वजह से, और दूसरा कि ज़ाहिर सेलिब्रेशन भी हैं, ज़िंदा कौम है, हम मुश्किल हालात में भी जश्न मनाने का फ़न जानते हैं। तो 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि बस 14 अगस्त जो लोग सिविल है वो जश्न आज़ादी में मनाएं और हम अपनी ड्यूटी करेंगे, उनकी इबादत करेंगे। सही, यानी आप लोगों की वजह से एक तहफ़ का एहसास आवाम के अंदर होना चाहिए और है कि हमारी हिफाजत करने के लिए लोग मौजूद हैं, ऐसे जी। आप कोई पैगाम देंगी जश्न आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल, हर बंदा कहता है हम जिंदा कौम हैं, जिंदा कौम है और जिंदा कौम है के नारे लगाते हैं, लेकिन जब छोटी सी बात होती है तो कहते हैं छोड़ो भाई पाकिस्तान है। पाकिस्तान सिर्फ पुलिस का, सिर्फ फोर्स का नहीं है, पाकिस्तान आप सबका है। छोटी सी गलती हो जाती है कहते हैं जाने दें भाई पाकिस्तान। रोड के ऊपर वो जो जालियों से गुजरते हैं, पिछला दामन छोड़ाते हैं, कहते हैं देखें ये पाकिस्तान। आप बाहर जाके हर चीज़ को आप फॉलो करते हैं, अपने मुल्क की किसी कानून को आप फॉलो नहीं करते। कितना खूबसूरत पैगाम उन्होंने दिया कि आप बाहर जाके तमाम कवानीन को फॉलो करते हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं करेंगे तो आप, इसका मतलब अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार। गाने गाने से पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है कि आप कहते हैं बस मैं जिंदा कौम हूँ, झंडी लगा लो, गाड़ी पर लगा लो, मोटर बाइक पर लगा लो, उधर लगा लो, इससे पाकिस्तान नहीं होता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं, ये आपका अपना घर है। वो है ना कि कौम को किर्चियों में देखता हूँ, जब सड़क पर इशारे टूटते हैं तो जब इशारा भी टूटता है तो कौम किर्चियों में आ जाती है। तो जश्न आज़ादी का ये एक छोटा सा और एक बहुत बड़ा पैगाम है जो आप लोगों के लिए है। आज का दिन हमने इन कमांडोज़ के साथ स्पेंड किया है और आपको खैबर पख्तूनख्वा की जो एलीट कमांडोज़ हैं उनसे मिलवाया है और आपको दिखाया है कि वो किस जज्बे से सरशार होकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए इस मैदान में उतरी हैं। ये आज का खसूसी प्रोग्राम था जो जश्न आज़ादी के हवाले से हम आपके लिए पेश कर रहे थे। अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे दीजिएगा, मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।